की वंदना तो कर रहे हैं और इसका जो अर्थ है वो आप सब लोगों को ज्ञात ही होगा, पर फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगा कि जो व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं पाता ऐसा व्यक्ति भी वाचस्पति बन सकता है, बोलने में एक्सपर्ट ओरेटर बन सकता है। जो व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पाते वो व्यक्ति भी ऊंचे ऊंचे पर्वत को लांग सकते हैं। और ये सब कैसे संभव होता है? यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव, कि जब उस माधव की कृपा प्राप्त होती है तब ये सब संभव हो जाता है। तो ये जो कृष्ण भगवान है, माधव है, वो तो वैसे ही कृपा के सागर हैं, कृपा देने ही बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम वो कृपा के पात्र बन जाएं, कृपा का पात्र बनना होगा हमें। और उसके लिए भी इस श्लोक में एक सीक्रेट लिखा हुआ है कि परमानंद। तो ये परमानंद शब्द क्यों लिखा है यहाँ पे, इस बात पे अगर थोड़ा सा हम गौर करें, थोड़ा विश्लेषण करें और थोड़ा मंथन करें तो हम पाएंगे कि ये कंडीशन रखी है कि यदि आपको कृपा प्राप्त करनी है तो पहले आप परमानंद की स्थिति में आओ। भले ही आप मूक क्यों ना हो, भले ही आप पंगु क्यों ना हो, चलने में आपको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, बोलने में तकलीफ हो, आप उसके बावजूद यदि आप अपने मन की स्थिति को परमानंद में स्थित रख सकते हो तो आपको दुनिया का कोई भी कार्य है वो असंभव नहीं है। उस कृष्ण की कृपा से आप ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को लांग पाएंगे और वाचस्पति बन पाएंगे। तो ये मेरा मंथन है, ये मेरा मानना है श्लोक का। तो यदि आप सबको इसको पसंद आया हो तो एक जोरदार तालियों से। ये जो संस्कृत की प्रार्थना है, इस प्रार्थना को जैसे कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अपने शंख के नाद से अर्जुन के अंदर जो थोड़ी बहुत उसके अंदर जो डायलेमा थी, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ता थी कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी जो मन की स्थिति थी अर्जुन की, उसको कृष्ण भगवान समझ गए थे और एक शंखनाद करके वो सारे भय को, व्याकुलता को दूर कर दिया था। ठीक उसी प्रकार मेरे मन, मेरी जीवन में भी जब एक कुरुक्षेत्र का समय आया था, जब मैं जीवन और मृत्यु से लड़ रहा था, उस समय कृष्ण मन की मेरी माँ, जो ये मेरी माँ है, इन्होंने ये सेम श्लोक मुझे बताया था, मेरे कानों में एक शंखनाद के जैसे इस श्लोक को फूका था। और इसके विषय में तो हम और भी बात करेंगे कि किस स्थितियों से मैं गुजरता हुआ आज मेरा यहाँ पे ये एक खिलता हंसता चेहरा आप लोग देख रहे हैं, उसके पीछे एक काफी गहरी एक संघर्ष की गाथा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा और कहेंगे। पर उसके पहले मैं सबसे पहले अपने हृदय से श्री आदरणीय अतुल भट्ट दादा को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये पहल शुरू की है यूनिक चिल्ड्रंस क्लब, तो इसको यदि हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका होगा अनोखे बच्चों का क्लब। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं भी इस क्लब का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैं अपने आपको बालक ही मानता हूँ, क्योंकि बालक बनने में ही मजा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 75 साल, तो अपना जो बालकपन है उसको हम कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। विडंबना तो ये है कि आजकल तो 10-12 साल के बच्चे ही अपना बालपन खोने लगे हैं, हमें इस बालपन को